गुड मॉर्निंग दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज संडे का दिन है, सुबह का समय है, तो रोज़ की तरह मेरी शुरुआत तो चाय से होती है और आदत के हिसाब से डेली सुबह जैसे उठता हूँ उठते के साथ गैया का पास जाता हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप देखेंगे कि जो मेरी कृष्णा है वो आएगी और मेरे साथ वो भी चाय का डिमांड करेगी। देखते हैं क्या करते हैं। आई अरे कृष्णा, आ गए कृष्णा। वेरी गुड, ये कृष्णा है। अब इसको क्या चाहिए? चाय चाय चाहिए। देखिए कैसे चाय पिएगी। और पीना है। मेरा कृष्णा का मॉर्निंग का सेशन यही होता है। कृष्णा डेली आती है और मेरे कप में से ये पक्का बिना चाय पिए मानती नहीं है। और आज भी मैंने सोचा एक टॉपिक पर बात किया जाए। अच्छा लो, पी लो, अच्छे से पी लो। टेस्टी है। टेस्टी है। अरे उसको और चाय चाहिए। इधर इधर है कृष्णा। अच्छा दो, ये भी चाय, ये भी दोनों कप पिएगी। एक कप नहीं, दोनों कप। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वाह वेरी गुड। मजा आ रहा है कृष्णा को? गुड मॉर्निंग टी से, आप ही के माँ का दूध का ये सब आपका। ये डेली कृष्णा और मेरा यही रूटीन है। यही आता हूँ और गले के पास बैठता हूँ और कृष्णा मेरे साथ आके पक्का मेरे चाय के चुस्के का आनंद ये भी लेती है। जैसा कि आज मैंने एक टॉपिक चुना, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पुराने ज़माने में यानी कि वैदिक काल सभ्यता में उस वक्त मतलब संपत्ति का पैमाना गाय हुआ करते थे कि जिसके पास जितनी गैया वो उतना अमीर, वो उतना संपन्न, वो परिवार को उतना सुखी परिवार माना जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि अगर किसी के पास गाय है तो उसको दीनता, गरीबी, इन सारे चीज़ों से उनको कंपेयर किया जाता है और एक हीन भावना से उन्हें देखा जाता है कि अरे यार वो तो गाय रखता है, अरे वो तो दूध बेचता है, अरे वो तो पता नहीं क्यों। आप जिस चीज़ से आप पले भरे हैं, माँ का दूध आप पीते हैं, चलो ठीक है 7 महीने 8 महीने, उसके बाद फिर जीवन भर आपको ये गौ माता आपको पालती है और उसके बाद और आपको ये चीज़ बुरा लगने लगा, क्यों? आखिर क्यों? आधुनिकता में बहते हुए इतना भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि आप जिस चीज़ को आगे समझ रहे हैं ना वो आगे नहीं, आप काफ़ी पीछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने जो अपना फार्म खोला ना उसका नाम रखा है पुनर्वापसी। पुनर्वापसी का मतलब कि आप आधुनिकता और उन सारी चीज़ों में आप इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आप अपने अतीत को, अपने पास्ट को, अपने स्वाभिमान को भूल चुके हैं। हम लोग की गौ माता हम लोग का स्वाभिमान हुआ करती थी, हमारे घर परिवार का हेल्थ का ख्याल रखने वाली होती थी, हमारे अर्थव्यवस्था से उनको जोड़ कर देखा जाता था और सारी चीज़ें उनके आसपास ही हुआ करते थे। उस वक्त जो भी हो, लड़ाई या जो भी, हर चीज़ सिर्फ उसके लिए हुआ करता था कि किसके पास कितनी संपत्ति है। हम लोग उस वक्त गौ माता को अपना हर चीज़ मानते थे, सब कुछ मानते थे। लेकिन आज हम लोग क्या मानने लगे? आज जो भी गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, इन सारी चीज़ों को पीछे हम लोग भागते हैं। वो जिनके पास है वो अमीर और गैया जिसके पास है वो गरीब। सोचिए आपको कौन पालता है, कौन आपके जीवन का रूपरेखा को तय कर रहा है? यही गौ माता करती है। तो इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि गौ माता पे जरूर ध्यान दें। और गौ माता भी कौन सी? तो अपनी देसी गौ माता। जर्सी एचएफ को गौ माता का संज्ञा नहीं दिया जा सकता है,
जो कि चलो ठीक है दिया भी क्यों नहीं जा सकता है, लेकिन उनके दूध में वो ताकत नहीं है, वो सौम्यता नहीं है, वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उसका दूध एक मतलब आपके हेल्थ को भी एक निगेटिव एनर्जी दे रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है। वो हम लोग अपनी देसी गौ माता को हमने एक समय भूल चुके हैं, और भूलने के बाद हम लोग जब उसके बाद फ्लड क्रांति आया, श्वेत क्रांति, तो उसके बाद जो विदेशी गौ गैया थी उसको हम लोग ने स्वीकार किया, और वो गैया वहाँ का यानी यूरोपीय कंट्री वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो पली भरी है। अब उसको हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं जो यहाँ के क्लाइमेट में बिल्कुल भी वो एडजस्ट नहीं होती है, उसको दवाई के सहारे से रखा जाता है और वो खुद ही यहाँ पे सही रहने के लिए, उसका तबीयत ठीक रहने के लिए उसको डेली दवाई की आवश्यकता है, डेली इंजेक्शन की आवश्यकता है, तो वो आपको कितना फिट रखेगी। लेकिन अपनी जो देसी गौ माता होती है वो इसी देश की है, इसी मिट्टी की है, इसी वातावरण की है, इसी जलवायु की है, तो वो हमेशा आपके पास रहती है, वो हमेशा फिट रहती है, चाहे वो कितना भी गर्मी हो, चाहे कितना भी सर्दी हो, चाहे कोई भी मौसम, वो हर मौसम सर्वाइव करती है, इसीलिए उसके दूध में उतना ही ज़्यादा ताकत और हर चीज़ होता है। तो इस बारे में उसके दूध के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस बारे में कभी और आपसे बात करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।